को भी रख दिया है, दाल की भी सीटी आ गई है, तो आलू को भी मैंने उबाल दिया है, यहाँ पे आलू को उबाल दिया है। तो आज हम बना रहे हैं चोखा दाल चावल के साथ में, और फिर हम चल रहे हैं अभी चाय पीने। चाय एक बार हमने सुबह पी लिया था, और मेरी आवाज थोड़ी चेंज लग रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आवाज थोड़ी चेंज है। तो चलिए अभी चलते हैं हम छत पे, और पहले आलू को हम मैश कर लेते हैं गर्म ही, नहीं तो फिर ये ठंडा होने के बाद टाइट हो जाएगा। तो पहले हम चोखा बना लेते हैं, फिर चलते हैं छत पे। तो फ्रेंड्स आलू को मैंने मैश कर दिया, आलू को मैश कर दिया, चाय को भी मैंने गर्म कर दिया है। तो आलू को ढक देते हैं, प्याज और टमाटर बाद में मिलाएंगे इसमें, नहीं तो प्याज महकने लगती है। तो अभी हम खाना नहीं खा रहे, खाना हम बाद में खाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं छत पे, पहले हम स्वेटर पहन लेते हैं, वैसे तो धूप हुई है, तो चलिए हम चलते हैं छत पे, चाय ले लेते हैं, मम्मी जी का हमारा। तो चलिए चलते हैं छत पे, तो साल ले लेते हैं। हम आ गए छत पे, और लकी लग गई है, आज वो छत पे चढ़ा था और छत पे से गिर गया, तो उसे चोट लग गई है, दवा ले ली है, एक्सरे हो गया है, ज्यादा चोट नहीं है, हल्दी और प्याज लगाया गया है। फ्रेंड्स हम छत पे ही आए थे चाय लेके, और तब नीचे कोमल बोली कि लकी गिर गया है, आओ मम्मी देखो चोट लग गया है, तो दवा खाना ले गए उसे, अभी ठीक है, खाना खिलाए हैं, दवा खिलाए, आराम कर रहा है। यहाँ पे धूप हुई है तो यहीं पे खाना उनको खाए, हमने लकी को नहला धुला के खाना उन्हें खिला दिया है। फ्रेंड्स यहाँ का कहाँ तक काम हुआ है हम दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे प्याज को कद्दूकस किए हैं, और यहाँ पे ब्रेड को लिया गया है, तावे को रख दिए गर्म होने के लिए, और कद्दूकस कर लिए हैं, ब्रेड के ऊपर चिली सॉस और टमाटो सॉस लगाए हैं। तो आलू जो मैंने उबाला था सुबह में चोखा के लिए, उसी में से हमने रख दिया था, तो यहाँ पे वही बन रहा है। तो इस पर जो प्याज कद्दूकस किए हैं अच्छे से हमें चारों तरफ से फैला देना है, और फिर इसी के ऊपर आलू को भी फैला लेना है अच्छे से। तो ये रहा आलू, तो इसे भी हम फैला लेते हैं अच्छे से चारों तरफ, तो चारों तरफ से हम लगा लेते हैं। फिर यहाँ पे तावा गर्म हो गया है, तो इस पर हम जो बटर है वो डाल देते हैं, और एक एक करके अपना जो सैंडविच है वो रख देते हैं, और इसे एक तरफ लाल कर लेते हैं, फिर इसे हम पलट देंगे। आप लोग देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना है सैंडविच। तो फ्रेंड शाम के लिए हम बनाने जा रहे हैं, लक्की से हमने पूछा कि हम क्या बनाएं तुम्हारे लिए, तो लक्की ने कहा कि हलवा बना दो मम्मी, मुझे सारे बच्चे को मीठा में हलवा पसंद है, तो हम हलवा आज बनाने जा रहे हैं। तो हम कैसे बनाते हैं वो आप लोग से शेयर करते हैं, तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को रख दिया, गैस को ऑन कर लेते हैं, गैस को मैंने चला दिया है, कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं, कढ़ाई गर्म हो गई है, थोड़ा सा हम घी डाल देते हैं, ये देसी घी है तो ठंडी में जम जाता है। तो घी हमारा गर्म हो गया है, यहाँ पे मैं सूजी ली हूँ एक कटोरी, ये डाल देते हैं, और इसे अच्छे से हम लाल कर लेते हैं, इसी तरीके से लाल करेंगे चला चला के, नहीं तो ये नीचे जलने लगेगा। तो आप लोग देख सकते हैं हल्का हल्का ये लाल होना स्टार्ट हो गया है, तो इसी तरीके से हमें लाल कर लेना है चला चला के। फ्रेंड्स लाल हो गया है, यहाँ पे मैंने एक ग्लास दूध लिया, ये डाल दिया, तो यहाँ पे मैंने फ्रूट कलर लिया है, खाने के लिए ये भी डाल देते हैं। तो हमें इसी तरीके से चला चला के हमें इसे सुखा लेना है। तो मैंने इसमें एक ग्लास और दूध डाला, कम था दूध। तो फ्रेंड्स हमारा हलवा बन के रेडी हो गया है, थोड़ा सा और इसे सुखा लेते हैं, और 5 मिनट तक इसी तरीके से हम चलाते ही रहेंगे। तो हलवा हमारा बन गया, गैस को हम बंद कर देते हैं, और इसे ठंडा कर लेते हैं, ठंडा करके हम पलटी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ठंडा हो गया था, तो हमने इसे कटोरे में जमा दिया था, फिर इसे पलटी कर दी, और थोड़ा सा इसे डेकोरेट कर दिया है काजू बादाम से, तो बच्चे लोग की फेवरेट चीज है, तो आप लोग भी ट्राई करना। आज तो हम सोचे थे केक बनाएंगे।